और जितने हमने एक्सपीरियंस की है नगर पंचायत से, क्योंकि नगर पंचायत का बहुत सारा ऐसा चीज है जो कोरोना की वजह से रुक गया था, और वो चीज हम चाहते हैं कि उसमें वर्क हो। अगर हम तुरंत जीत के जाते हैं तो उसमें तुरंत वर्क होगा। वायदे में दो साल अगर दूसरा फेस अगर उसमें आता है तो ये पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोलती हूँ कि वो फिर सीखने में समय उनका व्यतीत हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए पुन चाहते हैं आपकी, आप लोग मुझे वोट करें और जयनगर के विकास के लिए मेरा साथ दें। मैडम आपका थोड़ा नाम जाने। मेरा नाम दुर्गा देवी है, निवर्तमान उप मुख्य पार्षद हूँ। और मैडम मैडम आप पिछले 5 वर्ष से उप मुख्य पार्षद के रूप में कार्य करती आई है जयनगर में, और फिर से आप जनता के बीच आकर के वोट मांगने के लिए आई, तो पिछले 5 वर्षों में आपने क्या किया कि जनता को आप लुभाएगी, जो सब बोलिए। मैंने इन 5 वर्षों में बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ किया है। जनता के लिए क्या किया आपने? जनता के लिए जितने हमारे दलित एरिया है, गरीबों है, सबको शौचालय घर घर दिए हैं, आवास भी दिए हैं, कई वार्डों सब में रोड नाला भी बना है। एक हमारे 10 वार्ड जो है ये जयनगर की नाक कहलाई जाती है, राष्ट्रीय ऑफिस से लेकर इधर बाईपास एक ही जयनगर का रोड है, वो आज 15 साल से पूर्व नहीं बन रहा था। उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी वो तैयार होने के कगार पे है। अभी भी तो नरकीय जैसा लगता है 10 नंबर वार्ड। नहीं नहीं, वो अब हाथ लग गया है, फिर मतलब वो अभी बारिश उरिश हो जाता है उसके वजह से रुक जाता है काम, लेकिन वो काम अब 10 दिन में हो जाएगा। थैंक यू मैडम।